from the very start. चलिए गाइस, आज हम एंजॉय करेंगे अपनी जीटी 5 में जीटी ओएसिटी का मैप जो कि काफी जबरदस्त मैप है, और आज हम इसको इंस्टॉल भी करेंगे, डाउनलोड भी करेंगे, सारा सब कुछ मैं आपको बताता हूं। तो चलिए इस मोड पे इंस्टॉल कर लेते हैं अपनी जीटी 5 में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो गैस, अब इंस्टॉल कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। डाउनलोड का लिंक तो आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सिंपल आपने उस लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज बन जाएगा, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर दीजिए, आप इसकी फीचर देख सकते हैं, इंस्टॉलेशन देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, नीचे स्क्रॉल कर दीजिए और इस दोनों बटन से आप डाउनलोड कर सकते हैं, मीडिया पायर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल ड्राइव से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं सीधा नेक्स्ट चलता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको डाउनलोड कर दिया है, आपने भी इसको डाउनलोड कर देना है। इस फाइल को इसका साइज कुछ 2.70 GB है, आपने इस साइज में इसको डाउनलोड कर देना है। फिर आपने सिंपल इस पर राइट क्लिक कर देना है, एक्सटेंडर का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, आपके पास एक्सटेंडिंग स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर आपने इसके लिए वेट कर देना है तब तक जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। तो चलिए हम इसके लिए वेट कर लेते हैं और इसके एक्सटेंड होने देते हैं। तो चलो गाइस, यहाँ पर ये एक्सट्रैक्टिंग कंप्लीट हो चुका है, अब आपके पास ये पोर्टल जाएगा, सिंपल आपने इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर देना है। यहाँ पर गाइस आपको ये सारे फाइल्स मिलते हैं, इसमें आपने क्या कर देना है, यहाँ पर आपने ओपन एवी टूल को ओपन कर देना है। लेकिन गाइस अगर आपने बेसिक नट्स का वीडियो नहीं देखा तो उसको आपने वॉच कर देना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आपने सिंपल इस वीडियो को वॉच कर देना है। उसमें आपको ये बताया जाता है कि जीटी 5 को मूव करने से पहले जितने भी काम है उसको आपने किस तरीके से कर देना है, तो सारे काम आपने कर देना है। फिर यहाँ पर आपके पास ओपन एवी टूल होगा तो उसको ओपन कर दीजिए, यहाँ पर जिसे गाइस आप देख सकते हैं मेरे पास ओपन हो चुका है। और यहाँ पर आपने जीटी 5 में विंडोज को सिलेक्ट करके यहाँ पर थोड़ी देर वेट करके यहाँ पर आपके पास ओपन एवी टूल ओपन हो जाएगा, तो जिसे गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपने क्या कर देना है, सबसे पहले एडिट मोड को ऑन कर देना है, यस कर देना है। फिर यहाँ पर गाइस आपने जिस फाइल्स को डाउनलोड किया उसमें आपको ये फाइल मिलता है, यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं voicecryremaster.oiv फाइल यहाँ पर आपको मिलता है, आपने सिंपल इस फाइल पे क्लिक करके होल्ड कर देना है, यहाँ पर लाके सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, मतलब यहाँ पर लाके पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपके पास ये पैकेज इंस्टॉलर ओपन हो जाएगा, यहाँ पर हमने सिंपल इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर हमने गलती से भी गेम फोल्डर को सिलेक्ट नहीं कर देना है, आपने मूव फोल्डर को सिलेक्ट कर देना है, यहाँ पर कंफर्म इंस्टॉलेशन बटन पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर आपके पास इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर हमने स्टाइलिंग के लिए वेट कर देना है तब तक जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। तो चलिए हम इसके लिए वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कैसे आप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर आपने क्लोज बटन पर क्लिक करना है, इसको क्लोज कर देना है। और फिर आपने क्या करना है, अगर आप इसको इंस्टॉल करो फिर आपके पास इंफिनिटी लोडिंग स्क्रीन आती है, मतलब आपके पास लोडिंग स्क्रीन इंफिनिटी हो जाती है, तो तब आपने क्या कर देना है, यहाँ पर आपके पास ये मोड्स फोल्डर होगा, आपने सिंपल इस पे जाना है, यहाँ पर अपडेट फोल्डर पर जाना है, यहाँ पर आपने अपडेट .rpf फोल्डर पर जाना है, यहाँ पर कॉमन फोल्डर को ओपन कर दीजिए, डाटा फोल्डर को ओपन कर दीजिए, और यहाँ पर कैसे आपको ये नीचे फाइल्स मिलते हैं, तो यहाँ पर आपने एक और फाइल यहाँ पर रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पर आपके पास ये आल्सो डिस्क फोल्डर यहाँ पर आपको मिलता है, आपने इस फोल्डर को ओपन करना है, जिस फाइल्स को आपने डाउनलोड किया उसमें आपको ये मिलता है, आपने इसको ओपन कर देना है। यहाँ पर आपको ये गेम कॉन्फिग फोल्डर मिलता है, आपने सिंपल इसको ओपन कर देना है, ये फाइल आपको मिलता है। तो यहाँ पर आपने फिर से ओपन एवी टूल को ओपन कर देना है, यहाँ पर इस फाइल पे क्लिक करके होल्ड कर दीजिए, यहाँ पर लाके पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर आपने इसको रिप्लेस कर देना है, आपके पास इंफिनिटी लोडिंग स्क्रीन का इशू सॉल्व हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हमने एक दूसरा काम भी कर देना है, यहाँ पर इसको क्लोज कर दीजिए, डेस्कटॉप पे जाइए, और यहाँ पर हमने जीटी 5 की शॉर्टकट पर राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक कर देना है, आपके पास मेन डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी जीटी 5 का। तो यहाँ पर आपने क्या कर देना है, यहाँ पर आपने फिर से उस पोर्टल पर जाना है जिस फाइल को आपने डाउनलोड किया है, यहाँ पर बैक जाना है, और यहाँ पर कैसे आपने ये तीन फाइल आपको मिलता है, आल्सो पेस्ट दिस फोल्डर में आपको ये तीन फाइल मिलता है। तो यहाँ पर आपने इस तीनों को सिलेक्ट कर देना है, फिर यहाँ पर आपने सिंपल इस पर राइट क्लिक करके कॉपी कर देना है, फिर यहाँ पर आपने उस फाइल में उस फोल्डर में पेस्ट कर देना है, जीटी 5 की मेन फोल्डर में आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर राइट क्लिक कर दीजिए, पेस्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए, आपके पास ये तीनों फाइल यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगे। और फिर यहाँ पर आपने क्या करें, सिंपल इसको क्लोज कर देना है, आपका मोड बिल्कुल इस पर इंस्टॉल हो चुका है। तो जीटी 5 के शॉर्टकट से मैं जीटी 5 को ओपन कर लेता हूँ और आपको जीटी वाईसिटी का मैप दिखाता हूँ। तो यहाँ पर कैसे देख सकते हैं हमारा जो गेम है बिल्कुल इस पहले ओपन हो चुका है। सो चले बाहर चलते हैं और बाहर से हम सीधा जाएंगे जीटी वाईसिटी। तो चले यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पर गाइस मैं आपको बता दूँ कि आप एयरपोर्ट से भी एरोप्लेन मतलब लेके वहाँ जा सकते हैं, और आप किसी भी ट्रेनर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मतलब ट्रेनर का यूज़ आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये ट्रेनर है, तो यहाँ पर मैं इसमें से हेलीकॉप्टर ढूंढता हूँ और फिर हम हेलीकॉप्टर में जाएंगे जीटी वाईसिटी पर। और यहाँ पर इस ट्रेनर को भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी जीटी 5।
लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी GT YCT को अपने GT पर एंजॉय कर सकें। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।